जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर, दिनांक 17/6/2021 को इमरती रोड की रहने वाली वृद्धा राधा देवी पत्नी सत्यमय मोदनवाल प्रतिदिन की भांति सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकली थी। गणेशगंज स्थित सराफा बाजार गली में टहली रही थी कि समय करीब 5:55 पर किसी ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने का चैन छीन कर भाग गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 94/21 धारा 356 भादवी पंजीकृत हुआ। घटना से संबंधित प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा गठित टीम व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर मिर्जापुर महोदय के निर्देशन में थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा मैं माल सोना पीली धात उबारा ग्राम के साथ अभियुक्त बाबा और मुस्तफा पुत्र जब्बा निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर दिनांक 23/6/2021 को सुबह 8:10 पर नटवा मोड़ से गिरफ्तार किया। अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई तो उसके पास 150 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर तथा उक्त चोरी की टूटी हुई चैन बरामद करते हुए बताया कि यह चैन वही है जिसे मैंने सराफा बाजार गली में एक बूढ़ी औरत के गले से झपट्टा मारकर चुना था। आज मैं बेचने की फिराक में था। नशीला पाउडर के संबंध में कड़ाई से पूछे जाने पर बताया कि वह आने जाने वाले यात्रियों को बहला फुसला कर खाने की वस्तुओं में खिला देते हैं, उनके विरोध हो जाने पर उनका सामान चोरी करके भाग जाते हैं। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। ये आपको मालूम होगा 17/6 को एक वृद्ध महिला थी, इमरती रोड पर थाना कटरा में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक निकली हुई थी। उनका चेन इसने, एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ था, उसमें इसने ले लिया था। और ये काफ़ी बड़ा अपराधी है, मैं कहूँगा इसको, और इसका भाई भी अपराधी है। दोनों मिलजुल के अपराध करते हैं, चोरी और एनडीपीएस एक्ट का ये मुद्दा है। इस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है, जिसका नाम मुस्तफ़ा है और इसके बड़े एक छोटा भाई है जो ऑलरेडी जेल में बंद है, मुर्तजा, वो HS भी है थाना कटरा से ही, इमामबाड़ा का। और आज सुबह 8:00 जब इसको इंटरसेप्ट किया गया, इसको सूचना मिली मुखबिर से कि ये नटवा रोड के आसपास कहीं टहल रहा है और इसके पास कुछ नशीला पदार्थ भी है, जैसे कि हेरोइन वगैरह का भी ये काम करता है, उसी आधार पर पुलिस ने अपने हस्तक्षेप करके इसको पकड़ा। इसके पोजीशन से 150 ग्राम जो नशीला पदार्थ पकड़ा गया है और वो जो उस दिन की छीनी हुई चेन थी वो पकड़ी गई है। उसके आधार पर जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 411 APC की वृद्धि की गई है और इसको जेल भेजने की कार्रवाई विधि रूप से की जा रही है। कितने इसमें मुकदमा है? इस पर 9 आपराधिक इतिहास है इसका, आज का लेकर के, इसको 7 पहले से था और 2 आज आपराधिक इतिहास बना है इसका, तो 9 आपराधिक इतिहास का है और एक सादिर के अपराधी है। इसका पता अभी भी हम लोगों को पता करना है तथा कुछ पूछताछ करके, अभी भी एक किराए पर रहता है इमामबाड़े पर, तो हम लोग और वेरिफिकेशन कर रहे हैं और तफ्तीश और भी तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि सादिर प्रकार का अपराधी है, कुछ बातें और आएंगी सामने तो निश्चित तौर से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जी, लगातार घटनाएं हो रही हैं और इस पर एक व्यापारी के यहाँ चैन भी बरामद हुआ था, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आपने पहली बार देखी, लगातार घटनाएं नहीं हो रही, कुछ घटनाएं हुई थी, घटनाओं के आधार पर हम लोगों ने इसको पकड़ा है और निश्चित तौर से विधिक कार्रवाई की जाएगी।